दोस्तों, साल 2023 का यह नया साल अपने साथ एक नई आशा की किरण लेकर आया है, एक नई उम्मीद लेकर आया है। और वो उम्मीद किसी और से नहीं बल्कि आपसे है कि इस साल अपने लाइफ में कुछ बेहतर करें, कुछ अच्छा करें, आप अपने मुकाम को हासिल करें। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका सपना है, उसे इसी साल पूरा करें। आप एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगा दो और जिंदगी में इतने कामयाब हो जाओ कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए आपकी जेब का इस्तेमाल करे। और याद रखना, 2024 में नए साल की पार्टी नहीं बल्कि 2023 में मिलने वाली सक्सेस की पार्टी मनानी है। देखो, मैं आपको एक कड़वी बात बताता हूँ, अगर मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, अगर खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन कोई इंसान रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती मेरे दोस्त, उसे कोई पूछता तक नहीं। ये दुनिया बहुत मतलबी है और ज़िंदगी भी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करना कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। ये दुनियादारी मोह माया छोड़ो और मेहनत करो, और यकीन रखो आज जिन जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा है तू, कल ये सब तेरे कदमों में होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करो बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाओ। दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाओ। और याद रखना, जीवन में सफल होने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस नसीहत पर काम करो जो दूसरों को देते हो, और कोशिश इतनी बार करो कि हारते हारते जीत जाओ कि तुम्हें पता भी ना चले। अरे उठो यार, तू उठता क्यों नहीं? अभी इसी वक्त खड़ा हो और लग जाओ अपने जीवन के तमाम मुकाम हासिल करने में। और इस रास्ते पर बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी गिरावटें आएंगी, लेकिन तुम गिर कर भी उठते रहना, चाहे कुछ भी हो जाए बस तुम चलते रहना। अरे ठोकरें कब तक रास्ता रोकेंगी? अगर किस्मतों में जान होगी तो किस्मत भी पलट जाएगी। दोस्तों, देखते देखते 2022 आपके हाथों से निकल गया और न जाने कितने ऐसे टाइम निकल गए सिर्फ ये सोचते सोचते कि मेरी ज़िंदगी एक दिन बदलेगी, एक दिन मैं भी ऊंचाइयों पर पहुंचूंगा, एक दिन मेरा भी नाम होगा, एक दिन मेरी भी पहचान होगी। लेकिन बस सोचते रह जाते हो, सपने देखते रह जाते हो। देखो, सपने देखना और सपने पूरे करना दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। अब तुम कहोगे सपने देखना बुरी बात है? मेरे भाई, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ सपने ही देखना ये बुरी बात है। आज तुम्हें डिसाइड करना ही होगा कि तुम्हें सिर्फ सपने ही देखना है या उसे पूरा भी करना है। चलो, मैं मानता हूँ तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें सपने पूरे करने हैं, लेकिन कैसे? सो के, मोबाइल पर टाइम पास करके, दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बातें करके? नहीं, अगर ऐसा होता तो हर गली में हर कोई सक्सेसफुल होता। ये सारे एक्टिविटीज़ आपके कंफर्ट जोन के अंदर ही आते हैं, और सफलता पाने के लिए तुम्हें इससे बाहर निकलना ही होगा। देखो, जब भी आप दुखी होते हो उसकी सिर्फ एक वजह है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता है, यानी कि ये ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही होती है। अरे क्यों चलेगी आपके हिसाब से? क्या ज़िंदगी ने ठेका लिया है कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे? अरे भाई, चाहते आपकी हैं, ख्वाहिशें आपकी हैं, तो अब उसे पूरा करना है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होनी चाहिए। ज़िंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जियो चाहे मरो, लेकिन आप जीना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी को दोष देना बंद करो। खुद को इस लायक बनाओ कि जो भी आप चाहते हो वो खुद चलकर आपके पास आए। बैठे बैठे रोते मत रहो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे भाई, अगर रोना आ भी रहा है तो रो लो, जी भर के रो लो, रोकर मन हल्का कर लो, लेकिन उसके बाद अंदर से अपनी पूरी एनर्जी से अपने आप से कहो कि बस अब बहुत हुआ, मुझे आगे बढ़ना है। अभी तो अपनी ज़िंदगी की ठीक से शुरुआत भी नहीं की। नहीं सुनना किसी के ताने, नहीं रहना इन हालतों में, अभी तो बहुत आगे जाना है। देखो दोस्तों, आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, अपने ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पूरी तरह से समेट कर एक अच्छी जगह लगाओ, फिर देखना दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। और याद रखना, रास्तों में एक नहीं हजार मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में तुम्हें रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। अगर कभी थक जाओ तो कुछ देर आराम कर लेना, लेकिन किसी भी हालात में तुम्हें रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना है।